चिंकी मोनू से कहती है कि जॉन अभी तक क्यों नहीं आया। तभी मोनू कहता है कि वो आता ही होगा। पापा आए और उनने कहा कि क्या किसकी राह देख रहे हो तुम लोग। तभी चिंकी और मिंकी कहते हैं कि हम हमारे फ्रेंड जॉन की राह देख रहे हैं। वो उनसे लेने आने वाले हैं क्योंकि आज गुड फ्राइडे है और गुड फ्राइडे के दिन वो सभी चर्च जाने वाले हैं। चर्च जाके वो समझेंगे और पता लगाएंगे कि गुड फ्राइडे क्यों बनाया जाता है। तो पापा कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप करके आ जाऊं? तो तभी चिंकी कहती है कि नहीं पापा, वो हमें लेने आने वाला है, अभी थोड़ी सी देर में वो हमें लेने आता होगा। तभी एकदम से जॉन आ जाता है घर में। तभी पापा कहते हैं ओके एंजॉय योर टाइम। फिर जॉन कहता है चिंकी और मिंकी से, मेरे दादाजी गेट पे खड़े हैं, चलो हम चलते हैं, फिर हम चर्च जाने वाले हैं ना, जल्दी देरी नहीं करते। पापा ने बोला जाओ जल्दी। फिर वो भागते भागते ग्रैंडपा के पास गए और ग्रैंडपा उन्हें चर्च की ओर लेके गए। चर्च में जाके चिंकी मिंकी जॉन और उसके ग्रैंडपा ने सबको देखा और सारे लोग वहाँ प्रेयर कर रहे थे। तभी चिंकी और मिंकी ने यह सब देख के ग्रैंडपा से यह बोला कि ये सब लोग यहाँ प्रेयर कर रहे हैं, वो तो ऐसे प्रेयर हम भी टेंपल में करते हैं, क्या यहाँ की प्रेयर और हमारी टेंपल की प्रेयर सेम है? तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, सारी वर्कशिप वाली जगहों में जो प्रेयर करते हैं वो सभी एक ही है, हम एक ही गॉड की पूजा करते हैं मगर अलग अलग स्थान पे। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रैंडपा और उस जॉन दोनों हाथ जोड़ के जीसस क्राइस्ट के सामने उनको प्रेयर करते देखते चिंकी और मिंकी ने भी प्रेयर करना चालू कर दी। चिंकी ने यह विश मांगी कि काश जॉन और मेरे जो दोस्ती है वो हमेशा कायम रहे, और मोनू ने यह मांगी कि उसको बहुत सारी चॉकलेट्स मिल जाए। तभी वो सारे लोग चर्च से बाहर आए और चिंकी और मिंकी का जो मन था वो बहुत ही रिलैक्स हो गया। फिर ग्रैंडपा ने ये बोला उन तीनों को कि चलो मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। फिर जैसे ही वो घर पहुँचे वैसे ही चिंकी और मोनू ने उनका घर देखा। उनके घर में कोई भी डेकोरेशन नहीं थी और वो पूरा का पूरी जगह खाली थी। यह वो सोच ही रहे थे तभी दादी आ गई। दादी आई और उनने बोला कि कैसे हो बच्चों? तभी चिंकी और मिंकी ने पूछा कि तो आप क्यों नहीं आए चर्च? तो दादी ने कहा कि मेरे घुटन में दर्द होने के कारण मैं नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स और खाने की कुछ आइटम्स लेके आती हूँ। तभी दादी वहाँ से चली जाती है। फिर चिंकी और मिंकी के साथ जॉन बातें करता है कि चलो वीडियो गेम खेलने चलते हैं, मगर चिंकी और मिंकी बोलते हैं कि मुझे दादाजी से एक बात पूछनी है। वो दादाजी से पूछते हैं कि आपका घर में कोई भी डेकोरेशन क्यों नहीं है? हमारे घर में जब दिवाली या होली होती है तब हम बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन करते हैं, मगर आपके घर में तो बिल्कुल डेकोरेशन नहीं दिख रही है, इस बात का क्या जवाब है? तभी दादाजी बोलते हैं कि यह कहने के लिए तो गुड फ्राइडे है मगर ये असल में ब्लैक फ्राइडे है। जीसस क्राइस्ट के साथ इस दिन बहुत ही बुरा सुलूक हुआ था, वो सूली पर चढ़ाए गए थे और उनको क्रॉस के ऊपर नेल से स्टक कर दिया गया था। ये बहुत ही बुरा दिन था। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि वो सबको भगवान के बच्चे मानते थे, मगर जो भी बुरे लोग थे वो सब ऐसा सोचते थे कि अगर इसका जो प्रचार है वो सब लोगों में हो गया तो सारे लोग उसके सब पास चले जाएंगे और हमारी बातें कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए दादाजी ने उन लोगों को ये कहा कि इसीलिए जो जीसस क्राइस्ट थे वो अच्छे काम करते थे, मगर कुछ लोगों को उनको हराना था इसलिए उनको सूली पे चढ़ाया गया और उनको क्रॉस के ऊपर स्टक कर दिया गया। इसके लिए हम ये पीस की तरह आज का दिन सोचते हैं। जीसस क्राइस्ट ने उनको लास्ट समय पे श्राप भी नहीं दिया और उनको ऐसा लगा कि ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या असली बात है जिसके लिए मैं आया गया हूँ इस धरती पर।
इसलिए उनने प्रेयर की भगवान को कि इन लोगों को स्वर्ग मिले और उन्हें यह शिक्षा मिल पाए कि जो वो कर रहे हैं मेरे साथ वो सभी गलत हैं। और जीसस क्राइस्ट इतने अच्छे इंसान थे, वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक इंसान थे, इसके लिए आज सभी लोग उनकी पूजा भी करते हैं। दादाजी की यह सब बातें सुन के चिंकी और मिंकी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए कि कोई कैसे ही कोई अच्छे इंसान के साथ इतना बुरी चीज़ें कर सकता है। चिंकी ने कहा यह तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ, मगर फिर दादाजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो आज के लिए हम मज़े करते हैं, हम आज का दिन को दुखी नहीं करते हैं और कुछ दूसरा काम करके एक्टिविटी करके मज़े करते हैं। जॉन को भी यह सब बातें सुन के बहुत अच्छा लगा और फिर वो सारे लोग वीडियो गेम खेलने कमरे में चले गए।